श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होंठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। एक भारत श्रेष्ठ भारत एनसीसी कैंप छत्तीसगढ़ में पहली बार ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज के बारे में जानकारियां दी गई, जिसमें बच्चों ने घरों पर ही रहकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 6 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि आपस में एक दूसरे की संस्कृति और एक्टिविटीज के बारे में जानना पहचानना, उस राज्य का क्या कल्चर होता है, कैसे उनके रहन सहन होता है, इन सभी बातों को जानने का विशेष अवसर था। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के बच्चे शामिल हुए थे, जो इस 6 दिन के इवेंट में प्रतिदिन ऑनलाइन आते थे और ये इवेंट होता था। 6 दिन का पूरा शेड्यूल बना हुआ था, जिसमें प्रत्येक दिन एक्टिविटीज हुई और कल्चर इवेंट हुआ, जिसमें गेस्ट वक्ताओं ने अलग अलग मुद्दे पर लोगों को जानकारियां दी, जो कि इस एनसीसी कैंप के बच्चों के लिए काफी फायदेमंद हो। GCI शारदा सराफ ने बताया कि पहले यह कैंप किसी जगह पर होता था और दूसरे स्टेट के बच्चे हमारे स्टेट में आते थे, लेकिन COVID-19 में यह संभव नहीं था, जिसके चलते एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जो कि इस सभी भाग लिए बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से, जिसके जरिए यह इवेंट संपन्न हुआ। इस कैंप का नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत सप्ताह, जो कि हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट के जो हेड हैं मेजर जनरल संजय शर्मा सर, उनके नेतृत्व में ये एक भारत श्रेष्ठ भारत सप्ताह हमारे रायपुर ग्रुप को मिला था, जिसका नेतृत्व हमारे ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर JS भारद्वाज सर ने किया। और इसकी जो हमारी यूनिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जिसके हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुलवंत सिंह हैं, 8CG गर्ल्स बटालियन में ये इवेंट कंडक्ट हुआ। 6 दिन का ये इवेंट था, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत सप्ताह का जो मुख्य उद्देश्य है, उसका आपस में एक दूसरे की संस्कृति, कल्चर, एक्टिविटीज़ के बारे में जानना पहचानना, दूसरे स्टेट का क्या कल्चर होता है, क्या संस्कृति होती है, कैसे वो उनका रहन सहन है, तो इस इवेंट में हमारे साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के कैडेट्स शामिल हुए, जो हमारे साथ डेली ये 6 दिन के इवेंट में ऑनलाइन आते थे और ये इवेंट होता था। हर दिन 6 दिन का पूरा शेड्यूल बना हुआ था, इसमें एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कल्चरल इवेंट हुए, गेस्ट स्पीकर्स आए काफ़ी सारे, जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे लेक्चर्स दिए, जो हमारे कैडेट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है। पहले क्या होता था कि ये कैंप सारे जो है किसी जगह पे होते थे और दूसरे स्टेट्स के बच्चे हमारे स्टेट में आते थे, फिर उनकी 10 डेज़ की ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती थी। बट अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक पेंडेमिक COVID-19 से जूझ रही है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि बच्चे अभी दूसरे स्टेट के बच्चे हमारे स्टेट में आ पाएँ। इसलिए हमने अपने आप को एक नए प्लेटफॉर्म पे अपग्रेड किया है, दैट इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू ये इवेंट कंडक्ट हुआ है। देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ NCC ग्रुप के लिए बहुत गौरव का विषय है कि इस पेंडेमिक जो COVID-19 की विषम परिस्थिति में भी, जबकि हम आउटडोर फील्ड में कैंप नहीं कर सकते सोशल डिस्टेंसिंग और भी अन्य मेजर्स की वजह से, लेकिन ये जो ऑनलाइन वेबिनार जो आपने देखा 10 जुलाई से 15 आज अंतिम दिन है 15 जुलाई तक, इसमें लगभग 6 राज्यों के और 2 NCC डायरेक्टरेट हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 2 डायरेक्टेड MPCG और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़, यहाँ 2 डायरेक्टरेट के लगभग 50-50 कैडेटों ने इसमें हिस्सा लिया। 6 दिन तक चलने वाला ये जो 3 घंटे का ऑनलाइन वेबिनार था, उसमें मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर
माननीय प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा यह शुरुआत किया गया था 31 अक्टूबर 2015 से, और इस सिचुएशन में इसका फ़ायदा लेते हुए एनसीसी ग्रुप रायपुर ने यह आयोजन होस्ट किया इस गतिविधि को, और हमारे छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह इस पीरियड में उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, और जैसा कि हम एनसीसी का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हम अपने छात्रों को ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनका पर्सनालिटी विकास हो, इसी उद्देश्य को रखते हुए इस वेबिनार में 3 घंटे का प्रतिदिन का जो शेड्यूल रहता था उसमें डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सॉन्ग्स कंपटीशन और विभिन्न प्रेजेंटेशंस थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस थे कि छत्तीसगढ़ के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और लीडरशिप के ऊपर, और बहुत से गेस्ट लेक्चर्स हुए जिससे छात्र छात्राओं के ज्ञान का विकास हुआ, और साथ ही साथ कैडेटों ने आपस में जो अपने अपने राज्यों का भौगोलिक स्थिति है, इतिहास है, खान पान है, रहन सहन है और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इन तमाम मुद्दों को बखूबी उन्होंने प्रेजेंट किया। मैं समस्त छात्र कैडेटों को बधाई देता हूं कि ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी अच्छी तैयारी कर और अपने इस रायपुर एनसीसी ग्रुप का नाम बढ़ाया, और दोनों डायरेक्टरेट में इस एनसीसी वेबिनार को सफलतापूर्वक आयोजन करने में उनका बड़ा योगदान है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं तमाम जो हमारे यहाँ के एनसीसी रायपुर ग्रुप के जो ग्रुप कमांडर हैं, ब्रिगेडियर जेएस भारद्वाज सर और 8 CG गर्ल्स बटालियन जो कि आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ ये आयोजन हो रहा है, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल कुलवंत सिंह साहब और 5 CG CTI के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील नायर साहब और एयर विंग के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पीयूष गोयल साहब, उन सभी के कुशल निर्देशन में बहुत ही बढ़िया हमारे कैडेटों ने होस्ट किया और सभी बधाई के पात्र है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहला सप्ताह है शिविर आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसकी कमान 8 CG NCC बटालियन को दी गई थी, और इस 6 दिन के सप्ताह में 3-3, 4-4 दिन हमने बच्चों के साथ मेहनत करके एक दूसरे प्रदेश के कल्चर, संस्कृति, सभ्यता पर आधारित बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस आयोजित हुए, और इससे एक दूसरे प्रदेश के रहन सहन, खान पान आदि के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई, ये आपको हमारे मेजर साहब ने बताया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि NCC 3 प्लेटफॉर्म पर संचालित होती है, आर्मी, एयर और नेवी, जलसेना, थलसेना, वायुसेना, तीनों विंग के कैडेट्स यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तीनों विंग के कैडेट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मैं आपको बताऊं कि इस एनसीसी का कैडेट्स के न केवल फौजी जीवन पर बल्कि एक सामान्य जीवन पर भी बहुत बड़ा असर आता है। जब ये बच्चे 2-3 साल एनसीसी के ट्रेनिंग में रहते हैं, अनुशासन सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीख देते हैं, नेतृत्व भावना आती है उनमें, टीम में नेतृत्व करने की क्षमता आती है, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए। स्कूल और कॉलेज में रहकर एनसीसी के माध्यम से वो अपने एक करियर को बहुत अच्छा और सुचारू ढंग से आगे न केवल फौज में जाने के लिए वरन सामान्य जीवन में भी एनसीसी के द्वारा दी गई सीख उनको बहुत काम आती है। तो मैं इस आयोजन के लिए CEOs जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म पर इस कार्य को संपादित किया, मेजर जनरल ADG हमारे जो हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट के निदेशालय के मेजर जनरल संजय शर्मा जी, और रायपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर JS भारद्वाज जी के निर्देशन में, 3 CGR स्क्वाड्रन के विंग कमांडर वैभव विशाल के नेतृत्व में, 8 CG गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुलवंत सिंह, सेना मेडल के नेतृत्व में, और 5 CTI NCC बटालियन के कर्नल सुनील नायर के नेतृत्व में, ये 6 दिन का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है बहुत सफल रहा। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं। 8 CG गर्ल्स बटालियन रायपुर से, हम सब जानते हैं कि हम किस कोरोना काल में जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने इसके बावजूद भी हमने एक अच्छे से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंस, अपने संस्कृति को एक दूसरे से बांटा, समझाया। हम सब जानते हैं हमारे इंडिया में विभिन्न प्रकार के संस्कृति, बोलचाल हैं, हम सिर्फ उसके बारे में सिर्फ सुनते आए हैं,
लेकिन हमें इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप के द्वारा दूसरे राज्यों को समझने, उनके लोगों के बारे में जानने का बहुत अच्छा मौका मिला है। ये इतने साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम ऑनलाइन किसी कैंप को कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से बीता है। ये 6 दिन के कैंप में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, एक दूसरे की संस्कृति, बोलचाल और एक दूसरे के बारे में हमने बहुत कुछ समझा है। ये कैंप हम लोग को एक ऐसा एम लेके आया है कि हम एक यूनाइट है, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इंडिया एक यूनाइट कंट्री है।